नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शेट्टी, आयुर्वेद एंड अल्केमी फॉर माइंड बॉडी एंड सोल इस चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, भारतवर्ष में हम अनेक त्यौहार मनाते हैं, क्या इन त्यौहारों का कुछ और महत्व है कि हम केवल इसे खाली एक सेलिब्रेशन के तौर पर मनाते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, इसका शास्त्रीय महत्व भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन त्योहारों के बारे में बहुत सोचकर उसमें स्वास्थ्य कारक क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी सोचा था और उसके कुछ नियम बनाए हैं। अभी हमने हाल ही में पाश्चात्य कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का स्वागत किया। अभी कुछ ही दिनों में पूरे भारतवर्ष में हम कई त्योहार मनाने वाले हैं। उत्तर भारत में लोहरी, मध्य भारत में मकर संक्रांत और दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाएगा। ये सारे त्योहार एक ही काल में मनाए जाएंगे। लगभग ये इनके सब महत्व एक ही हैं। लोहरी में फसल कटाई का उत्सव मनाया जाता है। इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है, अग्नि की पूजा की जाती है और लोहरी देवी की पूजा की जाती है। मध्य भारत में मकर संक्रांत मनाया जाता है और दक्षिण भारत में जो पोंगल मनाया जाता है वो भी सूर्य देव को अच्छी फसल देने के लिए उनकी पूजा की जाती है। ये तीनों त्योहार शीत ऋतु में है। इस काल में बहुत ठंडी होती है, शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है और शरीर में बल भी अच्छा होता है। इस दौरान अच्छे पौष्टिक आहार अगर शरीर को मिले तो उससे शरीर की अग्नि और बल और भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए लोहरी में तिल और गुड़ ये बांटा जाता है। इस काल में सत्तू घी के साथ सेवन किया जाता है। मध्य भारत में मकर संक्रांत में तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला, मतलब तिल और गुड़ खाइए और मीठा बोलिए। और दक्षिण भारत में गुड़, मूंग, मूंग दाल, चावल और सूंठ मिरी पिपली इससे बनाई हुई पोंगल खिलाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में इस दौरान तिल, गुड़ और बल्य द्रव्यों को खिलाया जाता है। इसका महत्व ये है, ये सारी द्रव्य जो हैं ये ऊष्मा प्रदान करती है, स्वभाव से उष्ण होती है और बलदायक होती है। तो इस दौरान अग्नि को बढ़ाने के लिए बढ़ी हुई अग्नि में बलदायक स्वास्थ्यकारक पदार्थों को खिलाया जाना चाहिए। इसलिए इन त्योहारों में ये सारी चीज़ें खिलाई जाती है। तो हमारे शास्त्रकारों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर कौन से त्योहारों में क्या खाना चाहिए ये हमें बताया है। लेकिन हम लोग इससे हटकर आजकल के पाश्चात्य कल्चर को अपनाए हैं जिसमें हम पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव वगैरह ये खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक है। अगर हम हमारे हजारों साल पुराने शास्त्रकारों ने बताए हुए द्रव्यों को अगर हम उन ऋतु में खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा और हम ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो आजकल हो रहे हैं, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, थायराइड, इससे हम बचे रहेंगे। धन्यवाद।